हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर लेके आया हूँ आपके लिए एक नया रूल आया है सिंटेक्स का, या बोल सकते हैं सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट का। देखते हैं रूल क्या है हमारा। रूल है हमारा द वैरायटी ऑफ। क्या है द वैरायटी? अगर आपको आ वैरायटी कहीं पे भी लिखा मिल जाए, क्या लिखा मिल जाए, आ वैरायटी कहीं पे भी लिखा मिल जाए, तो आप याद रखिएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। आ वैरायटी के बाद में, आ वैरायटी ऑफ के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। सेम इसी के जैसा है दूसरा रूल, क्या है द वैरायटी। अगर ये द वैरायटी है, यहां देखो क्या था, आ वैरायटी, आ वैरायटी था तो प्लूरल काउंटेबल नाउन था तो प्लूरल। और सेम इसी तरह से द वैरायटी होगा, द वैरायटी होगा प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तो सिंगुलर होगा। डिफरेंस याद रखिएगा, आ वैरायटी में प्लूरल, द वैरायटी में सिंगुलर। एग्जांपल्स देखिए, यहां पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ये चाम है प्लूरल वर्ब। अब द का देख लीजिए एग्जांपल, द वैरायटी ऑफ आइटम्स एट द डिनर वाज सिंगुलर आया, तो द वैरायटी सिंगुलर प्रोटेक्ट करता है, आ वैरायटी प्लूरल प्रोटेक्ट करता है, याद रखिएगा। दूसरा है लॉट। लॉट्स के बाद में अगर इन्फिनिटिव आ जाए, इन्फिनिटिव मतलब पता है क्या, टू प्लस वर्ब। लॉट्स के बाद में इन्फिनिटिव आएगा तो उसके बाद आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी, क्योंकि जब लॉट्स के बाद में इन्फिनिटिव आ जाता है तो लॉट्स को सिंगुलर काउंट करते हैं। क्लियर? लॉट सिंगुलर कब होगा, जब लॉट्स के बाद में इन्फिनिटिव का यूज होगा, मतलब टू प्लस वर्ब आ जाएगी। एग्जाम्पल से देखते हैं, There is lots. Lots लिखा है, इसके बाद में two plus verb हो गया, मतलब infinitive आ गया, तो यहाँ जो helping verb लगेगी इसके according वो कैसे लगेगी, singular, तो देखो is लगा है यहाँ पे। इसी तरह से दूसरा देखो, lots लिखा है, lots के बाद में two to फिर infinitive आ गया तो singular होना चाहिए, लेकिन helping verb क्या थी, plural थी, are थी, इस वजह से ये wrong हो गया। Clear? I hope समझ आ गया होगा आपको। Thanks for watching.